बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो 70 माओं से बढ़कर ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी नज़र से कोई चीज़ ओझल नहीं, जो पत्थर में भी कीड़े का राज़िक है, क्या अपने नाम का कलमा पढ़ने वालों को भूल जाएगा? कभी नहीं। बस अपना आप उसके सुपुर्द कर दीजिए और फिर उसकी रहमतों और बरकतों का नज़ूल देखिए। बेहद दुरूद व सलाम आका इनामदार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। मैं हूँ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। इससे पहले कि मैं आज की इस वीडियो को बकायदा शुरू करूं, आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक बरवक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ, वो है प्रोडक्टिव कफ, यानी बलगमी खांसी। आजकल पेशेंट आ रहे हैं जो आके शिकायत करते हैं कि जी, आजकल कफ जो है, जो खांसी है, वो बहुत ज़्यादा आ रही है और उसके साथ बलगम का भी अखराज हो रहा है। बलगम की वजह से गले में दुखन हो रही है, गले में खराश हो रही है, छाती में भारीपन है, मीकस यानी रेशा ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से गले को साफ करना बार बार पड़ता है और उसके लिए गले में भी दुखन शुरू हो गई है, गले में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसके अलावा जो है वो रेशा बार बार निकालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से छाती में भी दबाव आना शुरू हो गया है। तो इन तमाम प्रॉब्लम के लिए आज मैं होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो टाइम को ज़ाया किए बग़ैर अपने ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि होम्योपैथी में प्रोडक्टिव कफ यानी बलगमी खांसी का क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो मेडिसिन लेनी है वो लेनी है एपिकॉक, और इसको आपने 30 पोटेंसी में लेना है। इसको आपने सुबह नाश्ते के बाद 5 कतरे 2 घूंट पानी में मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है एंटमटॉट, इसको भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है और इसके भी 5 कतरे आपने 2 घूंट पानी में मिलाकर दोपहर के टाइम इस्तेमाल करने हैं। जो तीसरी मेडिसिन आपने लेनी है वो है जस्टिशिया 30, इसको आपने 5 कतरे 2 घूंट पानी में मिलाकर शाम के टाइम इस्तेमाल करना है। और चौथी मेडिसिन जो आपने इस्तेमाल करनी है प्रोडक्टिव कफ के लिए वो है बेलाडोना, इसको भी आपने 30 पोटेंसी में लेना है और इसके 5 कतरे आपने 2 घूंट पानी के साथ रात को इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन आप एक हफ़्ता लें, इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो प्रोडक्टिव कफ की, ये जो बलगमी खांसी की प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी का भला हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।